नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज हम उपस्थित हैं बाबा भक्तदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो हमारे चिकित्सा से बेहतर इनको लाभ मिला है। आइए उन्हीं की जवानी सुनते हैं, उनका परिचय जानते हैं। श्रीमान जी, आप अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम प्रताप कुमार राम है जी। हम पूर्व वायु सैनिक हैं जी, और हमारा घर बरबीघा जी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है जी। कुछ दिन पहले, आज से 3 साल पहले जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ कमर और पैर में। चलने में तकलीफ होती थी। अच्छा। पहले में हमने हड्डी डॉक्टर के पास दिखाया जी, उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने जी MRI कराने के बाद पता चला कि 2-3 जगह मेरा जो है नस दबा हुआ है। अच्छा। सालों का जो है दवा खाया, लेकिन किसी तरह का हमें 1 साल तक खाया। 1 साल। कहाँ से आप इलाज कराए थे न्यूरोलॉजिस्ट से? सर, बिहार शरीफ से। अच्छा। और भी पटना वगैरह भी दिखाने के? हाँ, पटना जो है बराबर MRI समूचा पटना से ही होता था। पटना से ही होता था। वहाँ के भी डॉक्टर किसी? वहाँ के डॉक्टर के भी जो है प्रिस्क्रिप्शन मिलता था। अपने जमाने से अपने अनुभवी डॉक्टरों को चुनकर आपने इलाज उन्हें कराया और 1 साल तक दवा खाया। तो दवा खाते खाते आपको कितना बीमारी भागा? कुछ नहीं जो है, कोई जो है प्रॉब्लम जो कहता हूँ था जी, हंते मैं मोबाइल पर ही जो है चेक करते करते जो है जी चिरोप्रैक्टर का जो है नाम सुना, जो कि एक जो है नोएडा में रहते थे। हाँ। वहीं से बात होते होते फिर वो ये है अपना नियर बाय कौन जो है कहाँ पर है इस तरह के डॉक्टर। फिर हमने खोजा तो जो है मुझे आलिन जो है गंज में, अलीगंज बाबा भक्तदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान का लोकेशन आपको मिला। हाँ। तो वहाँ से नंबर आप निकाले, बात किए है ना? बात किए। उसके बाद 4 मार्च 2024 को जी हम यहाँ पहुँचे जी। यहाँ अपना इलाज कराए जी, कुछ दवा खाए। 15 रोज का दवा खाने के बाद जी मुझे कम से कम 50% जो है। तो यहाँ मतलब आपको चिरोप्रैक्टर मतलब सेटिंग भी दिया गया और दवाई भी दिया गया? दोनों दिया गया जो है। तो अलग जगह जो है चिरोप्रैक्टर का ही काम करते हैं, यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा उनके अनुकूल उपयुक्त औषधियाँ भी दी जाती है और सेटिंग भी किया जाता है, और जरूरत हड्डी वगैरह टूट जाता है तो लेप भी लगाया जाता है जिससे हड्डियाँ तत्काल जुड़ती है, बहुत शीघ्र ही जुड़ती है। तो आप हमारे औषधालय में आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और जो लगभग 1 साल से पीड़ित हैं, आपके अपने कैंप में भी इस तरह से इलाज कराए होंगे चूँकि वायुसेना थे सर? बिल्कुल कराए, वहाँ से भी कराए। वहाँ की डॉक्टर क्या सलाह दिए थे सर? वहाँ का डॉक्टर ये बोला कि आपका जो है ऑपरेशन करना होगा। देखिए, जिम्मेवार व्यक्ति जिम्मेवारी से कैसे लोग अपने खैर वो अपने जिम्मेवारी में ही कहेंगे, क्योंकि उनके पास जो व्यवस्था है वही कहेंगे ना। उनके पास व्यवस्था है MIR का, CT स्कैन का और ऑपरेशन का, तो वही करेंगे जो उपयुक्त है। लेकिन हमारे यहाँ MIR तो देखा जाता है, CT स्कैन देखा जाता है, लेकिन चीरफाड़ नहीं किया जाता है। ये आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार किया जाता है, बिना चीरफाड़ के किया जाता है और सेटिंग किया जाता है। तो देशवासियों को क्या कहेंगे सर? जिस तरह हमें कुछ लाभ मिला जी, हम और लोगों को जी यही कहेंगे कि एक बार कम से कम बाबा भक्तदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान में जा करके मिलें और अपना जो है प्रॉब्लम बताएं जो है, शायद आप भी ठीक हो जाए, है ना जी। तो यही कहा जा सकता है सभी लोग को, तो ठीक होने की उम्मीद बताया जा सकता है। तो आज हमारे बीच और देखिए कैसे कैसे मरीज आए हैं, और जानते हैं सर से थोड़ा सी। ये हमारे चिकित्सक हैं, प्राथमिक चिकित्सक। कहाँ से आप आए सर? तो कौवापोल मरको गांव से आए हैं। कौवापोल मरको गांव से आए हैं। आप किन के साथ आए हैं? क्या आपकी मरीज का है समस्या है? मेरा मरीज का समस्या, जब आप मेरे गांव गए थे एक यज्ञशाला में यज्ञशाला में हाँ तो
तो वहाँ पे आपका लिटरेचर हम देखे थे, एक स्पाइन मतलब इसका रीढ़ की हड्डी में को बैठाते हुए देखे थे। हाँ, तो उसको लगा कि नहीं भक्तदास जी का जो मती है क्लिनिक वहाँ पे ले जाएं, पेशेंट को दिखावे, बहुत जगह दिखाया, लाभ नहीं मिला। तो आपका आस लेके आए कि वहाँ पे आस लाभ। देखिए आज रोगी से मिलते हैं ना। हाँ, यही वो मरीज है ना। क्या आपको दिक्कत हुआ, कैसे दिक्कत हुआ? वही कमर में जो दिक्कत हुआ, गए थे आप मड़पो ग्राम। अच्छा अच्छा, लालपुरिया डी। आइए आपको यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए। आइए हम बैठिए, थोड़ा से दिखाइए कहाँ दिक्कत है। इसको नीचे आधा आधा इससे और इससे ये झुक नहीं पाते हैं ना। नहीं झुक नहीं पाते हैं, हम बैठ पाते हैं। नीचे से कोई चीज रखा हुआ तो ले नहीं पाते। कैसे बैठते हैं, बैठ के दिखाइए, थोड़ा सा बैठिए, कैसे प्रयास कीजिए। बस इतना ज्यादा नहीं, इससे अधिक नहीं बैठ पाते। और कितना दिन से है ये? तो हो गया अब साल से ऊपर हो गया, दो साल से है। ये कैसे हुआ था आपको? अरे पता नहीं कैसे अपने आप हो गया है। आपके वजन तो खैर उठेबे कर देते, मजदूर आदमी तो वजन उठेबे करेगा नहीं। मजदूरा व्यक्ति थे और ये बेचारे मजदूरी का काम करते थे, अधिक वजन ले लिए जिसके कारण ये थोड़ा सा इनके रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा लेट नहीं दीजिए, तो लेटिए इस पर, ये स्ट्रक्चर मूड़ी इसमें गड्ढा में कीजिए। देखिए किस प्रकार से करते हैं, पट लेटिए, पट पेट को नीचे रखिए। हाँ हाँ हाँ, उस गड्ढे में रखिए। हाँ, इस मुड़ी उसी के लिए रखा गया है। देखिए इस भाग में जो है, ये भाग जो है उभर चुका है और ये दोनों तरफ का भाग उभर आ गया। ये हड्डी नीचे जाना था, सीधा होना था, इस दिशा में आ गया, जिसके कारण कि बिचारी का यहाँ से वहाँ तक पूरा गर्दन नहीं घूम सकता है। और ये भाग है ना, गर्दन भी घुमाने में दिक्कत होता है? नहीं, गर्दन में ठीक है, लेकिन बैठने उठने में समस्या है। हाँ, समस्या है, बोझा ले नहीं सकते है ना। बोझा बैठ नहीं पाते, बोझा तो आर नहीं ले सकते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, बोझा ले नहीं पाते हैं। तो बैठिए एक बार, चलिए ठीक है।